सारा सिंदूर देखकर आज प्रभु कितने प्रसन्न हो गए हैं। निश्चित ही उनकी आयु भी बढ़ गई होगी। अब मैं सदा सिंदूर का प्रयोग करके प्रभु को प्रसन्न रखा करूंगा। हनुमान, ये कौन सी लीला रच रहे हो? प्रभु, ये मेरी लीला नहीं है, ये तो मैया का दिया हुआ ज्ञान है। प्रभु, आपको खुश करने के लिए ही मैंने अपने शरीर पर सिंदूर लगाया है। आप प्रसन्न है ना? तुम्हारी मैया सीता ने तुम्हें क्या बताया है? मैया ने कहा तो मैंने सोचा कि सिंदूर की एक पतली रेखा से आप इतने अधिक प्रसन्न होते हैं और आपकी आयु भी बढ़ती है, तो पूरे शरीर पर सिंदूर मल लेने से आप कितने अधिक प्रसन्न होंगे और आपकी आयु और भी अधिक बढ़ जाएगी। इसी कारण घी में घोटकर सिंदूर मैंने अपने पूरे शरीर पर लगा लिया। हनुमान, तुम मेरे सच्चे भक्त हो, तुम भक्त शिरोमणि हो, तुमने भक्ति और सेवा के नए मानदंड स्थापित किए। विश्व में जब भी कभी भक्ति की बात चलेगी तो तुम्हारा नाम सबसे पहले लिया जाएगा। आज मंगलवार के दिन तुमने मेरी प्रसन्नता और लंबी आयु के लिए ये लीला की है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि आज के बाद जो कोई भी मंगलवार के दिन बजरंग बली को सिंदूर का चोला चढ़ाएगा या चोला चढ़ाने में सहायता करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। हनुमान